जय जोहार, नमस्कार साथियों। मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर, उनके घर है सातवीं के लिए। हम लोग हैं कबीरपंथी, तो अपने कथा पूजा की जगह पे होता है चौका, संगीतमय चौका आरती होता है। तो चलिए, ये पहुँच गए हम चौका आरती में। तो चलिए, पूजा शुरू हो चुकी है और मैं भी अर्जी विनती करके नारियल ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ सातवीं के चौका आरती होता है, जहाँ हमारे यहाँ पंडित के रूप में बैठते हैं महंत, जिनको बोलते हैं महंत। आप लोग देख सकते हैं, ताज पहनकर तीन लोग बैठे हैं गद्दी पे, उनको बोलते हैं हम महंत। उनके द्वारा हमारे कबीरपंथियों में होता है पूजा। जिनको ये महंती का किताब मिला होता है हमारे धर्मनगर दामा खेड़ा, हमारे गुरुदेव के माध्यम से, सातिकेती की पूजा चालू है और बहुत ही दिव्य दर्शन रहता है इस छड़पति की। आप देखकर ही ऐसा लगता है, हाथों जो दिया जल रहा है, जो कलश जल रहा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा यहीं पे विराजमान हो चुके हैं, सहायक उनकी विराजमान हो चुकी है, ऐसा महसूस होता है। और ये हमारी मान्यता भी है। तो चलिएगा, हम संगीत में चौका आरती आप सबको सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बोलने का मेरा औचित्य ही नहीं है, क्योंकि सारा यही तो संगीत में ही होगा। तो आप लोग को संगीतमय चौका आरती का हम ये मजा लेते हैं साथ में। चलिए,
श्रद्धालु लोग यहाँ पे बहुत ही आए हुए हैं और आसपास के पूरी
अपने मोहल्ले वासियों को यहाँ पे बुलाया गया है, मेहमान भी बहुत सारे आए हैं, तो उनके लिए पूजा के बाद होगा, खाना बनेगा। तो देखिए पूड़ी बड़ा और अच्छा खाना बन रहा है, और बच्चे पूड़ी चपक रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि सभी के लिए यहाँ पे खाना बनना है। पूजा के बाद खाना खा के सबको जाना होगा, और हम भी खाना खा के जाएंगे यहाँ से, पूजा होने के बाद प्रसाद ले करके चलिएगा। प्रार्थना करके वापस आएंगे चढ़ाएंगे, ये बोल के कि हे साहब हमारी जो मनोकामना है पूर्ण कर, अपने मन की जो भी है वो करके अर्जी विनती करके ये अर्जी जिसको हम प्रणाम जी करके हाथों से अर्पण करेंगे, पुत्र को अर्पण करेंगे। मैं भी कर देती हूँ साहब को नमस्कार। देखिए इस तरह से किया जाता है हमारे कभी पंथियों में। आमीन बिना तिला बिनो सबके कुछ पर, क्योंकि तो थोड़ी ही देर में फिर से इन लोग लाइन पे लग जाएंगे काम के लिए, सब अभी कुछ देर कर रहे हैं आराम। हमारे घर की ये बहुएं हैं सारी, चलिए आरती हो रही है, हम भी हो जाते हैं आरती के सामने।
आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद खाना। I'm not
तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए।